खरगोन जिले के शासकीय स्कूलों, छात्रावास, आश्रमों में कार्यरत रसोइयों ने मंगलवार को मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में एकत्रित हुए रसोइयाओं ने कलेक्टर से मिलने की मांग पर नारेबाजी करते हुए करीब आधे घंटे तक धरना प्रदर्शन भी किया। हम करीब 20 वर्षों से जनजातीय विभाग के तहत आने वाले शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, छात्रावास और आश्रमों में सेवाएं दे रहे हैं। रोजाना 10 से 12 घंटे काम करने के बाद भी महज 4,950 रुपए वेतन मिल रहा है, वह भी समय पर नहीं मिलता। महंगाई के इस दौर में अल्प वेतन में काम कर परिवार का पालन पोषण करना चुनौती भरा साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के द्वारा कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें ये सहायक आयुक्त जनजाति कार्यालय विभाग के अंतर्गत मजदूर कर्मचारी महिलाएं पूरे जिले से आए हुए हैं। इन्हें करीबन 20-20 साल कार्य करते हो गए, परंतु इन्हें आज भी 5,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है और करीब 8 से 10 घंटे ये मजदूर कर्मचारी कार्य करते हैं, उसके बाद भी इन्हें मात्र 5,000 वेतन दिया जा रहा है। 2017 में इनका वेतन 7,000 किया गया था, परंतु उसके बाद भी सहायक आयुक्त महोदय के द्वारा 5,000 वेतन किया गया और ग्रीष्म अवकाश 12 महीने का इनसे कार्य लिया जाता है, परंतु इन्हें 10 माह का ही वेतन दिया जाता है। समस्या अगर हल नहीं हो तो भोपाल जाएंगे, वहाँ मुख्यमंत्री जी के वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। रमेश मंडले, जिला अध्यक्ष, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी से। बढ़ाए जाए, कलेक्टर महोदय से निवेदन है हमारा कि 5,000 हमको सैलरी मिलती है, इसमें हमारे बच्चों का पालन पोषण हो रहा है और अब महंगाई तो दिन दिन बढ़ती जा रही है। हमको इंसाफ मिले, यहाँ पर बार बार आते ही भर हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। यहाँ पर अभी करीब मान के 500-600 लोग हैं और हर बार आते हैं और ऐसे ऐसी हम इस विषय पे काम करते हैं कि हमारे पास 50 बच्चे हैं, हम नहीं तो हड़ताल कर सकते, नहीं तो भूख हड़ताल कर सकते, क्योंकि हम कभी हमारे लिए मांग के लिए आगे बढ़ते हैं तो कोई कर्मचारी लोग हमको डरा देते हैं कि तुम आ जाओगे तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे, तो फिर हमको कैसे क्या इंसाफ मिलेगा? 5,000 में क्या होता है सर? संगठन के बिना मजदूर बैनर भाई लोग के पास है, मैं तो आके मेरे जो संगठन का अपना बैनर का है, बना है ना, आया है बैनर आसाम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।